Yes, dear students, today we are going to start the lecture number 10 in excretion, and the topic is regulation of kidney function. Now, before to start this regulation of kidney function, one thing you keep in your mind, a single line, कि इन केस ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स देयर इज अ बिग सिमिलरिटी दैट बोथ आर सिक्रीटेड व्हेन दे आर रिक्वायर्ड. दिस इज द सिमिलरिटी बिटवीन द एंजाइम्स एंड हार्मोन्स कि बोथ आर सिक्रीटेड व्हेन दे आर रिक्वायर्ड. इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा. आज हम लोग बात करेंगे बच्चों रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की, जहाँ पर तीन तरीके से कंट्रोल होगा किडनी का फंक्शन. एक बाय एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कंट्रोल बाय एंटी डायूरेटिक हार्मोन. सेकंड, कंट्रोल बाय जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस. एंड थर्ड, कंट्रोल्ड बाय एट्रियल नैट्री यूरेटिक फैक्टर. मतलब किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए तीन तरीके से कंट्रोल हो रहा है. पहला, कंट्रोल बाय द एंटी डायूरेटिक हार्मोन विच इज सिक्रीटेड फ्रॉम द नीरो हाइपोफाइसिस, रिलीज फ्रॉम द नीरो हाइपोफाइसिस द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी. एंड द सेकेंड वन इज द जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस. जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, JGA, जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस. एंड द थर्ड इज कंट्रोल्ड बाय एट्रियल नैट्री यूरेटिक फैक्टर. क्लियर? आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस की. जो जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है स्टूडेंट, उसको आप पहले यहाँ समझने की कोशिश करिएगा. देखिए ध्यान से बेटा, ये जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है. ये एपरेटस तीन चीज़ों से बना है. नंबर वन, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स. ये ऐसी सेल्स हैं जिनमें डार्क ग्रैन्यूल पाए जा रहे हैं रेनिन एंजाइम्स के. रेनिन की स्पेलिंग क्या होगी इस किडनी में? RENIN. ध्यान रखिएगा, ये जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं. इन जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स में जो रेनिन है, जो एंजाइम्स है, उसके डार्कर ग्रैन्यूल्स पाए जा रहे हैं और ये एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में है. यानी JG सेल्स में रेनिन एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में है. पहली चीज़. दूसरी चीज़, इसमें जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस में मेसेंजियल सेल्स पाई जा रही हैं. मेसेंजियल सेल्स को लैसिस सेल भी कहते हैं या पॉलकिनेसिस भी बोलते हैं. आगे चलते हैं. तीसरी इसमें चीज़ होती है मैकुला डेंसा. यानी मतलब अगर फिर से समझा जाए तो जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस जो है, जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस इज कंसिस्ट ऑफ जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, मैकुला डेंसा एंड मेसेंजियल सेल्स. पहली चीज़ हमें ये क्लियर होनी है. बच्चे पहले ये देखें बना किसका है. अब देखिए होता क्या है. ये जो जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस है, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव रीजन. पहले मेरे इस वर्ल्ड को लीजिए, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव रीजन. अब ये रीज़न कौन सा है, इस चीज़ को सुनिए बच्चों. ये वो पार्ट है जहाँ पर सेलुलर मॉडिफिकेशन होगा. किनके बीच में होगा? सेलुलर मॉडिफिकेशन पाया जाएगा DCT और एफरेंट आर्ट्रियोल में, जहाँ पर DCT और एफरेंट आर्ट्रियोल आपस में कांटेक्ट करेंगे. उस लोकेशन पर एक सेलुलर मॉडिफिकेशन पाया जाएगा और उस सेलुलर मॉडिफिकेशन को ही आप कह देंगे जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस. आपने क्या मेरी बात समझी? आपने मेरी बात ये समझी कि आपने ये बोमेन कैप्सूल बनाया, इसमें आपने वाइडर लुमेन वाला एफरेंट आर्ट्रियोल बनाया. आप सहमत हो गए इससे?
फिर आपने एक पतले लूमेन वाला इफ्रेंट आर्टियोल बनाया, आप इससे भी सहमत हो गए मुझसे। मैंने ये आपसे कहा बच्चों कि जो ये जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव रीजन। Why? Because there is cellular modifications take place. अब cellular modification किस में हो रहा है? तो देखिए नीचे मैंने DCT बनाई। अब DCT में DCT cells और ये मैंने बना दी smooth walls हैं। ये afferent और efferent की smooth cells हैं। तो ये जो DCT है उसमें और afferent arteriole में कहीं ना कहीं पर आपस में connection या contact होगा। उस लोकेशन पर जहाँ पर यह कांटेक्ट होगा वहाँ पर सेलुलर मॉडिफिकेशन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सेलुलर मॉडिफिकेशन पाया जाएगा और उन सेलुलर मॉडिफाइड सेल को ही बोल देंगे जस्टा ग्लोमेरुलर सेल, या किताब लिख देगी GJG सेल्स, जहाँ पर क्या होंगे? डार्कर ग्रैन्यूल्स होंगे इनएक्टिव रेनिन के। और रेनिन की स्पेलिंग क्या होगी? यही तो नीट का क्वेश्चन है, RENIN, क्योंकि एक डाइजेस्टिव सिस्टम में भी रेनिन एंजाइम्स मिलेगी, RENIN, जो क्या कहते हैं प्रोटीन डाइजेशन के लिए होगी। तो एक नीट ने एक बार एक साल क्वेश्चन दिया नीट ने, उसने क्या किया, उसने कहा विच वन इज ऑड, सुनिए पहले, उसने कहा विच वन इज ऑड, और उसने तीन एंजाइम्स डाइजेस्टिव वाली लिख दी और चौथे नंबर पर उसने एंजाइम्स का नाम लिख दिया RENIN, जो कि किडनी की थी। और इसी से ही पता लग गया कि विच वन इज ऑड, तो जिसे स्पेलिंग मालूम होगी वो यहाँ तक पहुँचने में उसे आसानी होगी। तभी मैंने शुरुआत भी स्पेलिंग से ही की थी, आपने ध्यान दिया होगा। इधर देखिए, ठीक है, हमें पता लगा कि जो जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है, इट कंसिस्ट ऑफ जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स इन विच द डार्क ग्रैन्यूल्स ऑफ इनएक्टिव रेनिन्स आर प्रेजेंट। सेकेंड वन इज द मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा इज द पार्ट ऑफ डीसीटी वेयर द सेल्स आर मोर डेंस एंड दीज सेल्स मोनिटर द सेलिनिटी ऑफ ट्यूबुलर फ्लूड। जो मैकुला डेंसा है इसका मेन काम क्या है? दे एक्ट एज ए मोनिटर। किस चीज़ को मोनिटर कर रहे हैं? जो आपके ट्यूबुलर फ्लूड है उसकी सेलिनिटी को मोनिटर किए हुए हैं कि कहाँ पर सेलिनिटी कम हो रही, कब ज़्यादा हो रही, कहाँ पर चेंज हो रहा है, इस चीज़ का काम कर रहा है मैकुला डेंसा। और रेनिन एंजाइम्स के लिए जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो फिर मेसेंगियल या लेसिया सेल्स क्या कर रही हैं? These cells communicate between the, ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम कर रही हैं मैकुला डेंसा और जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स के बीच में। इन दोनों को कम्युनिकेट करने का काम कौन कर रहा है? मेसेंगियल सेल्स। कौन सी सेल? मेसेंगियल सेल्स विच कम्युनिकेट द मैकुला डेंसा एंड जस्टा ग्लोमेरुलर सेल। बच्चों, और रेनिन एंजाइम्स के ग्रेन्यूल्स किस में? जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स में। जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या हैं? वही स्मूथ सेल्स हैं, एफरेंट इफरेंट की वॉल की वही स्मूथ सेल जो डीसीटी के पास आकर कांटेक्ट हो गई और उन्होंने एक सेलुलर मॉडिफिकेशन कर दिया। और उस सेलुलर मॉडिफिकेशन सेल्स को क्या बोल दिया गया? जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो अब आपके क्लियर हुआ कि जो जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव रीजन इन विच द सेलुलर मॉडिफिकेशन टेक प्लेस इन डीसीटी एंड एफरेंट आर्टियोल। एंड कहाँ पर? वेयर एट लोकेशन वेयर दे आर इन कॉन्टैक्ट। जहाँ पर ये कॉन्टैक्ट वर्ल्ड आपने लगाया उस लोकेशन पर सेलुलर मॉडिफिकेशन हो रहा है, जिसको कह दिया गया जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो एपरेटस है तो दो तीन चीज़ों का मिलकर बना है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है किडनी में वो किसका बना हुआ है? जस्टा ग्लोमेरुलर सेल, जिसमें इनएक्टिव फॉर्म में डार्क ग्रैन्यूल्स ऑफ रेनिन एंजाइम्स हैं। दूसरा पार्ट है मैकुला डेंसा, जिसका काम क्या है? विच मॉनिटर द सेलिनिटी ऑफ ट्यूबुलर फ्लूड। एंड थर्ड पार्ट इज लेसिया और मेसेंजियल सेल, जो क्या कर रहे हैं? विच कम्युनिकेट बिटवीन
दीज टू जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एंड मैकुला डेंसा ऑफ द डीसीटी। क्लियर हुआ? अब चलते हैं कैसे रेगुलेट करता है जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस किडनी को, देखते हैं जरा। बच्चों ध्यान देना, वन द सबसे पहली बात, एरोस नीचे हैं, इसके मतलब कंसंट्रेशन कम है। बीपी के लिए मैंने ब्लड प्रेशर के लिए बीपी लिखा है, जी बी एफ मैंने लिखा है ग्लोबुलर ग्लोमरस ब्लड फ्लो के लिए, और ये मैंने लिख दिया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट के लिए। ठीक है, ये जी एफ आर फिल्ट्रेट रेट है ग्लोमेरुलस का, ये ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो है, ये ब्लड प्रेशर है, ये सोडियम आयन है। एरो नीचे हैं, इसके मतलब ये सब क्या है, डिक्रीज में है, दे ऑल आर इन डिक्रीज। तो अब एक बात पहले दिमाग में लाइए कि जिस समय आप जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस को पढ़ेंगे, आपके पास एक समझदारी होनी चाहिए कि ये कब काम करेगा, जिस समय जी एफ आर इज फॉल डाउन, जब जी एफ आर डिक्रीज होगा उस समय ये मैकेनिज्म काम करेगी, उस समय ये रेगुलेट करेगी किडनी के फंक्शन को, जब जी एफ आर कम होगा। मेरी इस बात को ध्यान दो, ये नीट का क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? आगे चलिए देखते हैं, व्हेन द पोटेशियम व्हेन द सोडियम कंसंट्रेशन इज लो, नाउ एट दैट टाइम द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, दैट टाइम आर स्टैंड फॉर रेनिन, ए स्टैंड फॉर एंजियोटेंसिन, सेकंड ए स्टैंड फॉर एल्डोस्टेरोन एंड एस इज द तीनों का मिला हुआ सिस्टम। ओके, नाउ दिस सिस्टम इज ऑपरेट बाय जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। अब देखिए इसका काम शुरू हुआ। पहला मैंने ऊपर तीन लिखे थे ना, कि एडीएस से भी रेगुलेट हो रहा है, जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस से भी रेगुलेट हो रहा है, और एट्रियल नेट्रिक यूरेटिक फैक्टर से भी रेगुलेट हो रहा है। तो इसमें देखिए पहला काम शुरू हुआ है, क्या हुआ है, जो ये बच्चों जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस है ये कब ऑपरेट करता है, जब सोडियम का कंसंट्रेशन ब्लड में कैसा हो, लो। उस समय जब लो होगा कंसंट्रेशन, बीपी इज ड्रॉप, और जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा मीन्स दैट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इज डिक्रीजेस, और जब ब्लड फ्लो ही ग्लोमेरुलस में कम जा रहा होगा, ब्लड फ्लो ही कम पहुंच रहा होगा, देन यू नो दैट कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेशर इज आल्सो डिक्रीजेस, और यू कैन से फॉल डाउन। नाउ कैसे ये फॉल, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट प्रेशर क्यों फॉल हो रहा है, क्योंकि बीपी भी कम है, जिसके कारण ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी कम हो रहा है, ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो भी कम हो रहा है, इसलिए ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट कम हो रहा है। कारण मेन क्या था, कि जो सोडियम आयन्स थे उनका कंसंट्रेशन ब्लड में कम था, तो उस समय किडनी को कौन रेगुलेट करेगा, नाउ द नीट फर्स्ट नीट जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो आपने देखा जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कब फंक्शन करता है, जिस समय जीएफआर क्या हो, फॉल, जिस समय ब्लड में सोडियम का कंसंट्रेशन क्या हो, वेरी लो, उस समय किडनी के फंक्शन को कौन ऑपरेट, कौन कंट्रोल करता है, द आंसर इज जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। दिस इज द नीट विच इज जो क्या ऑपरेट करता है, मल्टी हार्मोनल सिस्टम। कौन सा सिस्टम, मल्टी मैंने एम बना दिया और एच बना दिया, मल्टी हार्मोनल सिस्टम को ऑपरेट करता है जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जो किसका बना था, मेसेंजियल जस्टा ग्लोमेरुलर सेल, जिसके अंदर रेनिन था इनएक्टिव फॉर्म में, एंड मैकुला डेंसा, जो सेलिनिटी मॉनिटर करने का काम करती थी ट्यूबुलर फ्लूइड में, वो जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस ऑपरेट द मल्टी हार्मोनल सिस्टम, एंड दिस इज द रास, आर स्टैंड फॉर रेनिन, ए स्टैंड फॉर एंजियोटेंसिन
एंड सेकेंड ए स्टैंड्स फॉर एल्डोस्टेरोन एंड दिस इज कंप्लीट कॉल्ड सिस्टम। क्लियर हुआ? अब यहाँ से आप रास पढ़ना शुरू करेंगे। दिस व्हेन द ब्लड सोडियम कंसंट्रेशन इज लो, बीपी ड्रॉप, ग्लोबुलर ब्लड फ्लो डिक्रीजेज एंड देयर वाई ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट फॉल डाउन। नाउ दीज रेनिन बिकम्स एक्टिव रेनिन। कैसी हो जाएंगी? एक्टिव रेनिन। रेनिन क्या है? एक एंजाइम है। क्या करेगी रेनिन? अब देखते हैं। उस समय रेनिन क्या करेगी? लीवर में एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है बच्चों, जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिनोजेन। जब कभी किसी चीज़ में जेन लग जाता है, किसी भी एंजाइम्स के नेम में जेन लग जाता है, तो इसके मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। ठीक है, लीवर में कौन सी फॉर्म है? एंजियोटेंसिनोजेन, यानी मतलब ये होगा क्या? एंजियोटेंसिन। अब इसको एक्टिव कौन करेगा बच्चों? रेनिन। रेनिन बच्चों कहाँ से आई? जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से। ठीक है, और जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कहाँ पर थी? हाईली सेलुलर मॉडिफिकेशन कहाँ पे था? एट लोकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट इफरेंट आर्टरियोल्स एंड डीसीटी। ठीक है, आगे चलते हैं। इस रेनिन ने क्या किया बच्चों? एंजियोटेंसिनोजेन को लीवर में एंजियोटेंसिन वन में बदल दिया। पहला नीट का क्वेश्चन, रेनिन का काम कहाँ पर है? लीवर में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन वन को एंजियोटेंसिन टू में कौन कन्वर्ट कर रहा है? उसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम्स है, वो कन्वर्टिंग एंजाइम्स है। एंजियोटेंसिनोजेन की ही उसकी कन्वर्टिंग एंजाइम्स है। नाम उस एंजाइम्स का हो गया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। लेकिन याद क्या रखना है, ये कहाँ है बच्चों? लंग्स में, यानी मतलब लीवर में एंजियोटेंसिनोजेन एंजियोटेंसिन वन में बदलता है, और लंग्स में एंजियोटेंसिन बच्चों एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स की हेल्प से एंजियोटेंसिन टू में बदल जाता है। आपने ये ध्यान दिया? ये नीट है कि लीवर में क्या चेंज हुआ? एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन वन बना। कौन रेस्पॉन्सिबल था? रेनिन। रेनिन क्या है यहाँ पर? एक एंजाइम्स। कहाँ से निकलती है? जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से। जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स किसका पार्ट है? जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस का। नीट के क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस का। जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या ऑपरेट करता है? रास। रास की फुल फॉर्म क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन, नॉट टेंसिनोजेन, ये ध्यान रखिएगा। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्लियर बात हुआ? ये कैसा सिस्टम है? मल्टी हार्मोनल सिस्टम है। ये कब काम करता है? कब किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है? जिस समय व्हेन द सोडियम कंसंट्रेशन इज लो इन ब्लड, या दूसरे शब्दों में व्हेन बीपी ड्रॉप, और शब्दों में व्हेन फॉल इन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट है, जब जीएफआर फॉल हो जाता है, मैंने कल बताया था ना जीएफआर को लेक्चर नंबर 9 में, कि द वैल्यू इज पर मिनट इज 125 ml एंड इन अ डे इज 180 liter। ध्यान रखिएगा, जब वो जीएफआर बच्चों कम होता है, उस समय जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस से जो जस्टा ग्लोमेरुलस सेल्स होती हैं वो रेनिन एंजाइम्स देती हैं, जो लीवर में 453 अमीनो एसिड लॉन्ग एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन वन, जो कि 10 अमीनो एसिड लॉन्ग एक पेप्टाइड होता है, उसमें कन्वर्ट करती हैं। देन दिस इज कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन सेकंड विद द हेल्प ऑफ द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, जो कहाँ होता है? ये नीट है, लंग्स में। एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम्स कहाँ है? लंग्स में है, जो क्या कर रहा है? एंजियोटेंसिनो वन को एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट कर रहा है। ये ध्यान देना है नीट के लिए आपको। आगे चलते हैं, देखते हैं जो एंजियोटेंसिन सेकंड जो है, पहले इसके लिए एक चीज़ बोलते हैं, इट इज़ अ पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर।
पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर लगा दिया मैंने, इसके मतलब है ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, यानी मतलब जो डिक्रीज चल रहा था वो नॉर्मल आ जाएगा। पहला काम एंजियोटेंसिनो का, सेकंड का एंजियोटेंसिनो वन से सेकंड कहाँ बदला, लीवर में, लंग्स में, और एंजियोटेंसिनोजन वन में कहाँ बदला, लीवर में, किसकी मदद से, रेनिन की मदद से, और वन टू में कैसे कन्वर्ट हुआ, लंग्स में, किसकी मदद से, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स की मदद से, जो क्या होता है एक तरह का पावरफुल, मैं यहाँ पावरफुल लगा दे रहा हूँ ताकि आपको इस समय ध्यान रहे, एक पावरफुल बच्चों ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है और जो ड्रॉप हुआ होता है वो नॉर्मल वैल्यू पर आ जाता है। ये पहला काम। दूसरा काम देखिए, ये जो रेनिन एंजाइम्स है इट आल्सो एक्ट ऑन, कहाँ पर एक्ट करती है, इट स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड। बच्चों एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक एड्रिनल मेडुला जिससे कि आपके इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और दूसरा पार्ट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्लियर बात है, कॉर्टेक्स नाम है तो आउटर पार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है यहाँ पर कॉर्टिकॉइड्स सिक्रीट होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। हम लोग जानते हैं कि सोडियम इज़ अ मिनरल, तो यहाँ पर वर्ल्ड हमें ध्यान रखना नीट के लिए कि कौन से कॉर्टिकॉइड्स के लिए काम कर रहा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के लिए। बताने का ये मकसद था कि आप ये समझ जाएं कि इससे जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका जो एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट है वहाँ पर रेनिन काम कर रहा है, और कौन सा हार्मोन निकाल रहा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये नीट का क्वेश्चन है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स निकाल रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन नीट का, वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन सा है, आंसर इज एल्डोस्टेरोन। तभी तो यहाँ पर था रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तभी था क्योंकि वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का क्या नाम है, एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन करता क्या है, सबसे पहले तो ये सिग्नलिंग देता है लेटर पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स में कि वो NaCl और वाटर को रीअब्जॉर्ब करे। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट काम बच्चों ये है कि ये सोडियम आयन और वाटर का रीअब्जॉर्बन बढ़ा देता है, कहाँ पर, DCT पर। कल मैंने कहा था ना कि इन केस ऑफ द DCT द बेस्ट नीट क्वेश्चन इज द कंडीशनल रीअब्जॉर्बन टेक प्लेस, तो दिस इज द कंडीशन कि वेन द GFR इज फॉल डाउन, नॉट वाइड इज फॉल डाउन बिकॉज विद इन द ब्लड सोडियम आयन इज लो इन कंसनट्रेशन, सो इंक्रीज द रीअब्जॉर्बन ऑफ द सोडियम आयन एंड वाटर फॉर वॉट टू कम्स द नॉर्मल GFR वैल्यू। तो कहाँ पे हो रहा है, ये DCT पर हो रहा है, तो DCT पर सोडियम आयन और वाटर का रीअब्जॉर्बन बढ़ जाता है जिसके कारण ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है और आपका ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो भी नॉर्मल हो जाता है और GFR भी नॉर्मल पे आ जाता है। इस तरीके से किडनी का फंक्शन कंट्रोल करता है जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, किस मल्टी हार्मोनल मैकेनिज्म से, रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कौन ऑपरेट कर रहा है, जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। कौन सी एंजाइम्स इसमें है, रेनिन। किस फॉर्म में है जस्टा ग्लोमेरुलस में, सेल्स में जब तक नॉर्मल कंडीशन है, इन एक्टिव ग्रेन्यूल्स। और जिस समय कब यह एक्टिव होती है, व्हेन द सोडियम कंसंट्रेशन इज लो इन ब्लड, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने से क्या होता है, नाउ ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो डिक्रीजेस, और ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो डिक्रीज होने से क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट फॉल डाउन। और जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट फॉल डाउन, एरो नीचे लगाना, इसका मतलब सब ड्रॉप से ही है, समझ रहे हो, डिक्रीज से ही है, इसका मतलब सब चीज़ें, देखो एरो नीचे लगे हुए हैं,
नाउ तो उस समय कौन कंट्रोल करेगा? जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस क्या है? बहुत ही सेंसिटिव रीजन है जहाँ पर आपके डीसीटी की सेल्स और एफरेंट आर्टरियोल की सेल आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक सेलुलर मॉडिफिकेशन बनाती हैं, उनको कह देते हैं जस्टा ग्लोमेरुलर सेल, जिसके अंदर ये ग्रेन्यूल जो होते हैं डार्क कलर के रेनिन के, वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। लेकिन एक्टिव कब होंगे? जब ये कंडीशन किडनी को फेस करनी पड़ेगी। तो जब वो एक्टिव होंगे तो रेनिन क्या करेगा बच्चों? एंजियोटेंसिनोजेन को लीवर में, जो ये क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है, फिर ध्यान दो, जो क्या है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है, तो लीवर में रेनिन क्या करेगा बच्चों? इस एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन वन में। इसमें तो 453 अमीनो एसिड्स होते हैं इन केस ऑफ एंजियोटेंसिनोजेन में, और जो एंजियोटेंसिन वन होता है इसमें ओनली 10 अमीनो एसिड लॉन्ग है। कितने अमीनो एसिड हैं? 10, लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ। इसके बाद दूसरा स्टेप बच्चों लंग्स में होता है, फिर ध्यान दीजिए, नीट आ गया यहाँ पर, पहला वाला लीवर में, दूसरा स्टेप लंग्स में। तो लंग्स में कौन सा स्टेप होता है, ध्यान रखने की जरूरत है। एंजियोटेंसिन वन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन टू, और कन्वर्ट करने के लिए लंग्स में क्या है बच्चों? इंजाइम्स है। कब सीक्रेट होती? व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। मैंने शुरुआत में ही बोला था रेनिन कब निकल के बाहर आया? व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, जब फॉल डाउन हुआ जीएफआर तब निकला। नाउ ये एंजियोटेंसिनोजेन सेकेंड इज अ पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, तो ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल आ जाएगा, जो फॉल था वो नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है बच्चों। दूसरा काम क्या करता है? ये रेनिन स्टिमुलेट करती है एड्रिनल ग्लैंड के कॉल्टेक्स रीजन को कि वो मिनरलो कॉल्टिकॉइड्स निकाले। अब कौन से कॉल्टिकॉइड्स के लिए, एड्रिनल के कौन से पार्ट में स्टिमुलेट करता है रेनिन, किस पार्ट को स्टिमुलेट करता है? आंसर इज एड्रिनल कॉल्टेक्स। सुनते रहिए ध्यान से, एड्रिनल कॉल्टेक्स। एड्रिनल कॉल्टेक्स से कौन सा कॉल्टिकॉइड निकलता? आंसर इज मिनरलो कॉल्टिकॉइड्स। उस मिनरलो कॉल्टिकॉइड्स का क्या नाम है? आंसर इज एल्डोस्टेरोन। वो एल्डोस्टेरोन क्या करता है? इट इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर इन डीसीटी। तो उससे क्या होता है? जीएफआर इंक्रीजेस, जीएफआर बिकम नॉर्मल। क्यों हो गया नॉर्मल? बिकॉज ब्लड प्रेशर बिकम्स नॉर्मल। यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट था, उसने ब्लड प्रेशर नॉर्मल किया तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी बढ़ा, और ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ा तो जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो फॉल हुआ था वो भी नॉर्मल आ गया। तो इस तरीके से जब किडनी अपने आप को कंट्रोल करती है, जब सोडियम का पहला पॉइंट ध्यान रखिए इसमें, व्हेन द सोडियम आयन कंसंट्रेशन इज लो इन ब्लड, तब ये सारी चीज़ें लो, तब काम करेगा JGA, और किसके द्वारा? रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। लीवर में एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिन वन रेनिन बदल रहा है, वो इंजाइम से एक, स्पेलिंग RENIN, ध्यान रखिएगा नीट का क्वेश्चन है। एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिनोजेन टू बदला, कहाँ पे? लंग्स में। किसने बदला? उस इंजाइम्स का नाम ध्यान करिए, उसी के नाम पर एंजियोटेंसिन कन्वर्ट कर रहा है ना, वन को टू में, कन्वर्टिंग इंजाइम्स। जो एंजियोटेंसिनोजेन टू है, एंजियोटेंसिन टू है, वो पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, तभी उसने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर दिया। जब उसने ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट किया, कॉन्स्ट्रिक्टर है ना, तो प्रेशर अंदर बढ़ गया। जब ब्लड प्रेशर बढ़ा तो GBF यानी मतलब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी बढ़ गया और GFR भी नॉर्मल आ गया। तो दिस इज नोन एज द जस्टा ग्लोमेरुलर। ध्यान रखिएगा, मैं बाकी चीज़ यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम लोग चलेंगे ANF पर। बच्चों पहले आप लोग ANF को समझिए। ए स्टैंड फॉर एट्रिया, ए स्टैंड फॉर एट्रिया, ए किसके स्टैंड्स के लिए? एट्रिया के लिए। एट्रिया का मतलब हो गया जो अपर वाले चैम्बर थे एट्रियम हार्ट के, उसके लिए एट्रिया वर्ड यूज हुआ, एट्रिया। नेट्री, नेट्री वर्ड का मतलब बच्चों होता है सोडियम,
नाइट्री का क्या मतलब होता है? नाइट्री का मतलब होता है बच्चों सोडियम। क्या मतलब होता है? नाइट्री वर्ड मीन्स सोडियम। अब यहाँ पे नाइट्री यूरेटिक लिखा है, तो यूरेटिक वर्ड का मतलब बच्चों होता है कि सोडियम जो है एक्सक्रीटेड आउट हो जाए यूरिन से। तो ये क्यों हो रहा है? अभी तो आपने पढ़ाया था कि जब सोडियम आयन ब्लड में कम हो तो ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, बीपी जो है वो ड्रॉप हो जाता है, और जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो है वो भी कम हो जाता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है वो भी फॉल हो जाता है। तो फिर सोडियम आयन की ज़रूरत होती है डीसीटी में रीअब्सॉर्ब करने की। लेकिन इस वाले में तो आप बता रहे हैं कि ये जो नाइट्री वर्ड का मतलब सोडियम और यूरेटिक का मतलब एक्सक्रीटेड आउट। तो भाई सीधा सा तुमने सोच लिया कि अब जो पढ़ने जा रहे हैं दिस इज द एएनएफ सिस्टम, जो किसके अपोजिट है? अपोजिट टू द रास, एंटीगोनिस्टिक टू रास। अगर रास का काम था कि वो रेनिन एंजाइम्स को एक्टिव कर लेता था और एक्टिव करके रेनिन एंजाइम्स अपना काम करती थी, तो फिर एएनएफ का काम हो जाएगा रेनिन की इनएक्टिविटी को इनहिबिट करना। देखते हैं ज़रा। नाउ एएनएफ, ठीक है, इसकी पहले फुल फॉर्म बच्चे देखते हैं। फुल फॉर्म है इसकी एट्रियल, यानी मतलब हार्ट का जो अपर मोस्ट, इसके लिए वर्ड यूज हो गया एट्रियल। देन नेट्री वर्ड, और मैंने बताया नेट्री का मतलब होता है सोडियम। नेट्री यूरेटिक का मतलब होता है आपका एक्सक्रीटेड आउट कर देना। एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ठीक है, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। अब सवाल उठता है ये एएनएफ सिस्टम जो सेकंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट हम लोग पढ़ गए, ये कब काम किया? पहली बात जान लीजिए नीट, इट इज एंटागोनिस्टिक टू रास। अब जब आप इस वर्ड को समझ जाएंगे एंटागोनिस्टिक टू रास, तो आपके समझ में आ जाएगा कि अब ये जब काम करेगा, जब जीएफआर की कैसी कंडीशन हो, जीएफआर इंक्रीज हो गया हो, ब्लड प्रेशर क्या हो गया हो, इंक्रीज हो गया हो, ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो क्या हो गया हो, इंक्रीज हो गया हो, सोडियम आयंस क्या हो रहे हो ब्लड में, इंक्रीज हो रहे हो, यानी कंडीशन उल्टी हो गई, सोडियम आयंस कंडीशन बिल्कुल रिवर्स हो गई, ये एरो सब ऊपर में चले गए नॉर्मल कंडीशन से। अब किडनी को रेगुलेट करने के लिए जो काम करेगा उसका नाम होगा एएनएफ। तभी बच्चों इसको क्या कह दिया गया, एंटागोनिस्टिक टू रास। अब देखो होता क्या है, उस कंडीशन में जब ब्लड प्रेशर या बॉडी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, एक्सेस में इंक्रीज हो जाता है, उस समय जो हमारे हार्ट में एट्रियम चैम्बर है, उस एट्रियम चैम्बर में होने लगती है स्ट्रेचिंग। क्या होने लगती है? स्ट्रेचिंग। वो स्ट्रेच करता है, स्ट्रेच करने पर एक फैक्टर निकालता है, उस फैक्टर को बच्चों कहते हैं यही एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, एएनएफ फैक्टर निकालता है, यानी एट्रियल की जो आपकी मायोकार्डियम है, किसकी है? एट्रियल पार्ट की मायोकार्डियम, वही मसल्स तो क्या करेगी, स्ट्रेच करेगी, और स्ट्रेच करके क्या फैक्टर निकालेगी बच्चों, एएनएफ निकालेगी, और एएनएफ किसके अपोजिट काम करता है, एंटागोनिस्टिक टू रास। आपने देखा था एंजियोटेंसिन सेकंड इज ए पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, तो इसके अपोजिट में एएनएफ के लिए क्या वर्ड यूज कर देंगे स्टूडेंट, इट इज अ वैसो
डाइलेटर, क्या वर्ड यूज कर दिया, वैसो, तभी तो मैंने एंटागोनिस्टिक टू रास बताया। जो एएनएफ वाला है, जो सेकंड कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, जो यहाँ थर्ड नंबर पे लिखी है, वो कब है, जब जीएफआर बढ़ जाए, नॉर्मल से इंक्रीज हो जाए, यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए या बॉडी वॉल्यूम नॉर्मल से इंक्रीज हो जाए, उस समय हमारे हार्ट में जो एट्रिया है उसकी मायोकार्डियम सबसे पहले स्ट्रेच करेगी, फिर एंटी नेट्री एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर निकालेगी बच्चों। अब वो फैक्टर कैसा होगा, जब रास के अपोजिट में काम कर रहा है, तो रास का तो एंजियोटेंसिन सेकंड तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर था, तो ये वैसो डायलेटर होगा और ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, ब्लड प्रेशर को कम कर देगा जो इंक्रीज हुआ हुआ है, तभी तो उसके अपोजिट है रास के। क्लियर बात है। तो पहला पॉइंट वैसो डायलेटर का काम करेगा एएनएफ। दूसरा काम, रास क्या करता था, सोडियम आयन और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में, जहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पर बढ़ा देता था। तो फिर एएनएफ क्या करेगा, एएनएफ इसको यूरिन को और सोडियम आयंस को एक्सक्रीटेड आउट कर देगा, यानी यूरिन एंड सोडियम आयन एक्सक्रीटेड आउट, बाहर कर देगा, ठीक है। और फिर तीसरा काम क्या करेगा, ये तीसरा काम करेगा इनहिबिट द रेनिन, जो रेनिन एंजाइम्स थी रास की, जो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से आ रही थी, जो कि लीवर में जो प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन थी उसको एंजियोटेंसिन वन में बदलती थी, उस रेनिन को क्या कर देगा, इनहिबिट। नीट का क्वेश्चन, एएनएफ क्या करता है, इनहिबिट द रेनिन। एएनएफ क्या होता है, वैसोडाइलेटर। जब वो वैसोडाइलेटर होता है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी मतलब एक कफ सिस्टम काम करता है, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो तभी तो डिक्रीज करना पड़ेगा। रास कब काम करता है, जब ब्लड प्रेशर कम हो, तभी तो इंक्रीज, तभी तो वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टर का काम कर रहा था एंजियोटेंसिनोजन, ताकि कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, प्रेशर बढ़ जाए, गॉट इट, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हो गया दूसरा सिस्टम, जरा एक बार फिर से सुनते हैं, एएनएफ एंटी एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ठीक है, नाम से पता लग रहा है, हार्ट का एट्रिया, उसकी मायोकार्डियम वॉल में स्ट्रेचिंग हुई, स्ट्रेचिंग से फैक्टर रिलीज हुआ, जो वैसोडाइलेटर का काम करता है, अपोजिट टू रास होता है, रास में तो एंजियोटेंसिनोजन सेकंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर था पावरफुल, यहाँ पे एएनएफ वैसोडाइलेटर है, यानी ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है उसको नॉर्मल पर ले आएगा और इनहिबिट करेगा एक्टिविटी ऑफ रेनिन की, और रेनिन आप जानते थे एल्डोस्टेरोन पे काम करता था, एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन में मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन एल्डोस्टेरोन को निकालता था, जिससे सोडियम आयंस और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी पे बढ़ता था। ये तो एंटागोनिस्टिक काम कर रहा है एएनएफ, तो ये इनहिबिट कर देगा रेनिन को। यही कारण है कि यूरिन और सोडियम आयन दोनों क्या होंगे बच्चों, एस्क्रीटेड आउट। जब ये एस्क्रीटेड आउट हो जाएंगे, अपने आप जीएफआर जो इंक्रीज हुआ है वो नॉर्मल पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, नॉर्मल पे। तो सीधी सी बात, रास या जस्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस कब, जब जीएफआर फॉल डाउन, एएनएफ कब, जब जीएफआर इंक्रीजेस। तो दोनों बोथ आर एंटागोनिस्टिक इन फंक्शन, बोथ आर एंटागोनिस्टिक इन फंक्शन। चलिए अब तीसरे सिस्टम की तरफ चलते हैं, तीसरे सिस्टम को कहते हैं एडीएच, ठीक है, आपको पता लग गया एएनएफ का काम, कि एएनएफ कब काम करेगा बच्चों, एएनएफ का मतलब एट्रियल, एट्रियल का मतलब एट्रियल ऑफ हार्ट, यानी अपर चैम्बर, उसकी वॉल में जो मायोकार्डियम है बच्चों, वो क्या करेंगे, वो स्ट्रेच होंगे,
ये कब स्ट्रेच होते हैं? जब GFR इंक्रीज होता है। एनएफ सिस्टम कब काम करता है? जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। एनएफ सिस्टम कब काम करता है? जब GFR इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल से, तो उसको नॉर्मल में लाने के लिए क्या करता है ये एनएफ? ये वैसो डायलेटर होता है, ये वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, उनका डायमीटर बढ़ा देता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो GBF भी कम होने लगता है। जब ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो कम हो जाता है, पहुँच ही कम पाता है, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट भी नॉर्मल आ जाता है। इसीलिए एंटागोनास्टिक टू रास काम करता है ANF। ठीक है, जो ANF था, देखो बच्चों, ANF था, उसके लिए कंडीशन क्या थी? GFR, एरो ऊपर लगाओ। ठीक है, यानी दूसरे शब्दों में जो BP था उसमें भी एरो ऊपर लगा दो। अब तुम्हें समझ में आएगा। और किसके काम कर रहा था? अगेंस्ट टू द रास, यानी एंटागोनिस्टिक इन फंक्शन टू रास। तो अगर अब आपको रास क्लियर हो गया तो उसका उल्टा कर दीजिए। देखिए मैंने कब इसको यूज़ किया? जब रेट बढ़ गया BP और GRF का, ऊपर क्या था? कम था। क्लियर हुआ? बोलिए अब तीसरा। चलिए ये दूसरा हो गया, लास्ट वन इज द तीसरा है ADH, फुल फॉर्म एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम बच्चों क्या होता है ये भी जान लीजिए, वैसोप्रेसिन। क्या होता है? वैसोप्रेसिन। कहाँ स्टोर्ड होता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में। उसको कहते क्या है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। सारे वर्ल्ड मेरे सुनिए लेक्चर में, न्यूरोहाइपोफाइसिस किसको? पोस्टीरियर लोब को। वहाँ से क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। ठीक है, और किसके कंट्रोल में रहते हैं? हाइपोथैलेमस के। अब सुनते हैं इसका काम। ADH जैसा नाम बता रहा है, एंटी डायूरेटिक, यानी मतलब हमें ये क्या करता है? हमारी वाटर को, बॉडी के वाटर को कंजर्व करता है। ठीक है, अब इसकी कहानी पहले सुनते हैं, सुनिएगा। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारे, पूरी बॉडी में आसमो रिसेप्टर है। आसमो वर्ल्ड लगा, तुम्हारा दिमाग वाटर पे पहुंच गया। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे आसमो रिसेप्टर हैं। जब कभी कोई इफ़ेक्टिव चेंज आता है हमारी बॉडी में, व्हेन एन इफ़ेक्टिव चेंज या इफ़ेक्टिव फॉल इन बॉडी फ्लूड, अगर कोई हमारी बॉडी में आता है, अगर हमारी बॉडी में फ्लूड, बॉडी का फ्लूड एक्सेसिव में कहीं पर कम होता है, उस समय ये आसमो रिसेप्टर जो होते हैं, दे बिकम्स एक्टिवेटेड। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि मेरी बॉडी में पूरे में बच्चों क्या है? आसमो रिसेप्टर्स हैं। तुम लोग ये समझ लो, अब मेरी बॉडी में जब कभी भी कोई इफ़ेक्टिव लॉस होगा बॉडी फ्लूड का, उस समय मेरे ये आसमो रिसेप्टर्स जो होंगे बॉडी में, दे बिकम एक्टिव। और जब ये आसमो रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे, व्हेन द आसमो रिसेप्टर्स बिकम एक्टिव, नाउ दे स्टिमुलेट, किसे स्टिमुलेट करेंगे? हाइपोथैलेमस। किसको कर देंगे स्टिमुलेट? हाइपोथैलेमस ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देंगे। किस चीज़ के लिए? ताकि वो न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्या चीज़? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, न्यूरोहाइपोफाइसिस से क्या रिलीज कर दें? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दैट इज ADH। और ADH क्या करेगा बच्चों? ADH क्या करेगा? कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कहाँ पर? इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल।
किडनी के जो डिस्टल पाल के ट्यूब्यूल्स हैं उसमें वाटर के कंजर्वेशन को स्टार्ट कर देगा, हमारी वाटर से बॉडी इनसे वाटर को कंजर्व करने लगेगा, उसका लॉस ज़्यादा नहीं होने देगा, क्योंकि वो जानता है अगर लॉस होगा तो बीपी डाउन हो जाएगा, बीपी डाउन होगा तो बॉडी फ्लूड कम हो जाएगा, बॉडी फ्लूड कम होगा तो बीपी डाउन हुआ मतलब यानी GBF यानी ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा, GFR फिर डाउन हो जाएगा। इसलिए ये ऑस्मो रिसेप्टर ड्यूरिंग द एक्सेसिव लॉस ऑफ द बॉडी फ्लूड दे बिकम एक्टिवेटेड एंड दे स्टिमुलेट द एडिनो दे स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस एंड विच सिक्रीट द फॉर व्हाट स्टिमुलेशन किस लिए होता है टू रिलीज द ADHR यू कैन से द वैसोप्रेसिन हार्मोन फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी फॉर व्हाट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कहाँ पर बच्चों? डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल पर, डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल पर। दूसरी चीज सुनिए बच्चों, जो ये ADH होता है, ये जो ADH होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कहाँ पर है? न्यूरो हाइपोफाइसिस पर रिलीज हो रहा है, और अंडर कंट्रोल किसके? हाइपोथैलेमस के। इसका दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कब काम करता है? ड्यूरिंग द एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूड। तो जब बॉडी फ्लूड का एक्सेसिव लॉस होता है तो जो हमारे ऑस्मो रिसेप्टर हैं बॉडी के क्या होते हैं? दे बिकम्स एक्टिवेट। और एक्टिवेट होकर ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट। किसको करते हैं? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस किस पर एक्ट करता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी न्यूरो हाइपोफाइसिस पर। वहाँ से क्या रिलीज होता है? वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जो लॉस हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एट द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, जिससे मेंटेन हो जाए हमारा ब्लड प्रेशर, बॉडी फ्लूड मेंटेन रहे। क्लियर हुआ? आगे चलते एक बात और सुनते हैं। इसमें जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है बच्चों, ये कॉन्स्ट्रिक्शन का कॉन्ट्रिक्ट यानी मतलब ये भी कॉन्ट्रिक्शन का काम करता है, कॉन्ट्रिक्टरी इन नेचर है। क्या ये भी ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा? हाँ, ये ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का भी काम करेगा। क्लियर बात हो गई? कॉन्स्ट्रिक्टरी इन फंक्शन है ADH। क्लियर हुआ? फिर बाद में क्या होगा? हाइपोथैलेमस भी ये रोल अदा कर देगा, हमें थ्रस्ट देगा, हमें प्यास लगेगी, हम ड्रिंकिंग करेंगे, पानी पिएंगे, जिससे बॉडी फ्लूइड के अंदर जो ऑस्मोलरिटी है वो क्या होगी? ऑस्मोलरिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से एक तरीके से जो ADH वाला जो सिक्रीशन है वो फीडबैक उसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सिस्टम कहलाता है ADH कंट्रोल बाई ADH, और ये कब कहलाता है? कंट्रोल बाई एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, एंड देन दिस इज नोन एज द जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो ठीक है, ये बच्चों नीट का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था, आपने देखा। इसको करने के लिए आज बच्चों के पास एक ब्रेन मैं दे दूं कि बच्चे ये समझ लें कि जब एक्सेसिव वाटर लॉस हो तो ऑस्मो रिसेप्टर से जब स्टिमुलेट किया जाए हाइपोथैलेमस को, उससे फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से वैसोप्रेसिन, जो नाम से ही लग रहा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये कब काम करेगा? जब एक्सेसिव लॉस हो रहा बॉडी फ्लूइड का, यानी BP गिर रहा हो। ठीक, ANF का मतलब एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, और नेट्री का मतलब सोडियम, यूरेटिक का मतलब एक्सक्रीटेड आउट, यानी अब सोडियम को कम करो। कम क्यों करो? ताकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा से कम में आए, राइज हो गया है। ठीक है, तो अपोजिट टू रास काम कर रहा है। नाउ जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस में स्टूडेंट को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इट इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव पार्ट, इट इज़ वेरी सेंसिटिव रीजन वेयर द सेलुलर मॉडिफिकेशन टेक प्लेस इन द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स DCT एंड दिस एफरेंट आर्टियोल एट द लोकेशन वेयर दे आर इन कॉन्टैक्ट, दे आर नोन एज द जस्टा ग्लोमेरुलर सेल, एंड विद इन दिस
एस्टाग्लोमेरुलर सेल. नाउ द डार्क कलर्ड डार्क स्टेन्ड और यू कैन से रेनिन इज प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म. शुरुआत में मैंने कहा था कि एंजाइम्स और हार्मोन दे आर फंक्शन दे आर सिमिलर बिकॉज दे आर सिक्रीटेड और यू कैन से परफॉर्म दे आर फंक्शन वन दे आर रिक्वायर्ड. डेट्स वाई आपने देखा यदि रेनिन भी इनएक्टिव रहता था, लेकिन जब रेनिन को पता लगा जिस समय मैकुला डेंसा ने बताया सेलेनिटी ट्यूबुलर फ्लूड की कि उसमें सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, जीबीएफ फॉल हो गया, जिससे जीएफआर फॉल हो गया, उस समय एस्टाग्लोमेरुलर सेल्स ने रेनिन को निकाला. आपने देखा रेनिन ने लीवर में एंजियोटेंसिनोजेन को बदल दिया एंजियोटेंसिन वन में. फिर बाद में आपने देखा लंग्स में एंजियोटेंसिन वन जो था वो लंग्स में पाए जाने वाला एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स यानी मतलब ACE, उस ACE ने लंग्स में एंजियोटेंसिनोजेन वन को बच्चों एंजियोटेंसिनोजेन टू में बदल दिया, जो कि एक बहुत ही पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर था. उसने ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जिससे जो फॉल हुआ बीपी था वो नॉर्मल कंडीशन पर आ गया. और जब वो नॉर्मल हुआ बच्चों तो उसने ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी बढ़ा दिया, और जब ब्लड फ्लो भी बढ़ गया बच्चों तो उसने GFR भी नॉर्मल पे ला दिया. लेकिन अगर ये वैल्यूज एक्सीड कर जाएं, ये भी तो हो सकता है, रेगुलेशन हो रहा ना, तो रेगुलेशन में कम हुआ तो इसने कंट्रोल कर लिया. अगर ये GFR बढ़ गया BP बढ़ गया तब काम ANF ने किया, जो एट्रियल नेटिरेटिक फैक्टर जो कि एंटागोनास्टिक टू रास था, जिसमें कि एट्रिया की जो मायोकार्डियम होती है वो स्ट्रेच होती है, ANF फैक्टर रिलीज करती है जो वैसो डायलेटर का काम करता था. वहाँ पर तो रास में जो एंजियोटेंसिन सेकेंड था वो तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता था, वो तो कॉन्स्ट्रिक्ट करता था इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था. ये तो डायलेटर है, ये तो डायलेट करेगा, ब्लड प्रेशर कम कर देगा, तभी जब काम करता है जब बीपी ज़्यादा हो रहा होता, राइज अप हो रहा होता बॉडी फ्लूड और ब्लड प्रेशर, उस समय किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास ANF होता है. जब बीपी फॉल डाउन हो रहा होता है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन लो हो रहा होता है, उस समय हमारी किडनी को कंट्रोल करने के लिए बच्चों GGA एस्टाग्लोमेरुलस एपरेटस होता है. और बच्चों हमारे शरीर में अगर एक्सेसिव लॉस हो रहा हो बॉडी फ्लूड का, उस समय हमारी बॉडी में बच्चों जो काम करता है वो ADH होता है, जो किडनी को रेगुलेट करता है. तो आज आपने तीनों देखे, एस्टाग्लोमेरुलस एपरेटस बाय मल्टी हार्मोनल रास एक्टिविटीज, एंड नंबर सेकंड इज द एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर जो कि GFR जब राइज अप होता तब काम करता है, जब GFR फॉल होता है तब एस्टाग्लोमेरुलस एपरेटस परफॉर्म करता है, रेगुलेट करता है किडनी के फंक्शन को, और जब एक्सेसिव लॉस हो जाता है बॉडी में फ्लूड का उस समय ADH एंटी डायुरेटिक हार्मोन जो कि न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी से रिलीज होता है, जिसका दूसरा नाम बच्चों वैसोप्रेसिन है, जो क्या करता है, जो कब सिक्रीट होता है, जब आसमो रिसेप्टर, मैंने बताया था बॉडी में बहुत सारे आसमो रिसेप्टर्स फैले हुए हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं, और ये ADH उस वाटर की कमी को कंजर्वेशन कर देता है वाटर का इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल. सो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, एंड देयर आर 3 ADH एस्टाग्लोमेरुलस एपरेटस एंड एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर. एस्टाग्लोमेरुलस एपरेटस एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर वही स्टूडेंट क्लियर कर सकता है जो मेरा एक डायलॉग मान लेगा कि दीज बोथ आर एंटागोनास्टिक इन नेचर, एंटागोनास्टिक इन फंक्शन. थैंक यू वेरी मच. इसमें बहुत से नीट के क्वेश्चन थे, आप लोग देखिएगा. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.